आज पूरी दुनिया में इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष एक चर्चा का कारण बना हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों देशों में संघर्ष का कारण क्या है। जेरूसलम एक स्थान है, एक शहर है, इसी पर अधिकार को लेकर सदियों से संघर्ष होता आ रहा है। जेरूसलम क्षेत्र, इसका आकार, इसका क्षेत्रफल जो है 125.1 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जेरूसलम की कुल आबादी है 874,000। इसमें 61% यहूदी है, 36% मुस्लिम है और 2% ईसाई है। बात करते हैं पवित्र स्थान की। ईसाई कहते हैं यह पवित्र स्थान मेरा है, यहूदी कहते हैं कि यह स्थान मेरा है और मुस्लिम कहते हैं यह स्थान मेरा है। यही संघर्ष का कारण है अपने अपने अधिकार को लेकर। ईसाई कहते हैं यहाँ एक पवित्र चर्च है, सकुलकर चर्च है। उनका मानना है कि जेरूसलम में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए यह स्थान उनके लिए पवित्र है। मुस्लिम कहते हैं यहाँ एक मस्जिद है, अलक्सा मस्जिद। यह मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। उनका यह भी मानना है कि पैगंबर साहब यहीं एक शिला है, उस पर चढ़कर जन्नत के लिए वो गए थे। और यहूदी कहते हैं यहाँ एक मंदिर है, उसका एक दीवार पड़ा हुआ है, बाकी तीन दीवारों को रोमनों ने नष्ट कर दिया था और एक दीवार जो बचा हुआ उसको उस पार। यहूदी कहते हैं कि उनका एक सबसे प्रसिद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है, वह हॉली ऑफ द हॉलीज। इसी पवित्र स्थान को लेकर ही संघर्ष होता रहा है। यह जो क्षेत्र है पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ पर इतिहास में हम बात करें तो 1095 से लेकर 1291 तक मुस्लिम और ईसाई शासकों के बीच 7 बार युद्ध हुए, इसे हम कहते हैं धर्मयुद्ध या क्रूसेड। और इस युद्ध में कम से कम लाखों लोग मारे गए। दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो पूरी मानवता को समाप्त कर देगा, पूरी दुनिया को आग लगा देगा। इसलिए हम शांति का समर्थन करते हैं, हम एकता, प्रेम और भाईचारे का समर्थन करते हैं। यदि आप भी एकता, प्रेम, शांति और भाईचारे का समर्थन करते हैं, इस वीडियो को लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें। आपका लाइक टारगेट है मात्र 20। थैंक यू।